अभी 23 तारीख के मामला जो सुनवाई हुआ है कोर्ट में, उसमें 8 हफ्ते का टाइम दिया गया है कि आप अपनी जो भैंसें हैं, गाय हैं, उसको मोगा शिफ्ट कर लेंगे। तो क्या आप शिफ्ट कर रहे हैं? जो सुविधा हमें वहाँ देने की बात कर रहे हैं वो हमें यहीं चाहिए। आप कितना इस बात को सहमत करते हैं कि हम मोगा चले जाएंगे और हमें वहाँ चले जाना चाहिए? देखो, ये मोगा जाने का कोई मतलब नहीं है। एक तो दूर बहुत पड़ता है, फिर सुविधा नहीं है वहाँ पे किसी तरह की, हम तो आने जाने में ही रह जाएंगे। जो बाहर घूमने वाले हैं वो कुछ हमारे पशु कूड़ा नहीं खाते हैं और हम घोगा नहीं जाना चाहते। हम तीसरी पीढ़ी चल रही है, हम यहीं रहना चाहते हैं और हम अपने पशु का बहुत अच्छी तरीके से देखरेख करते हैं। ऐसा ये जो एनजीओ ने जो केस डाला है वो गलत है, सब कुछ गलत। हमारे यहाँ वो एक बार भी हमारी डेयरी में आई नहीं है। यहाँ देख के जाएं कैसे भैंसों को रखा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। आज मैं दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में मौजूद हूं और आज हम ये जानने आए हैं कि आखिर भलसवा डेयरी के अंदर जो डेयरी का चलाने वाले जो लोग हैं, आखिर उनको इस केस के बारे में भी क्या मालूम है और वो इस केस को लेकर पूरा क्या सोचते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक उधर भी एक डेयरी का पालन हो रहा है और साथ में अगर मैं आपको दिखाऊँ एक इधर भी एक डेयरी का पालन हो रहा है और साथ में मेरे साथ जो पीछे जो डेयरी है इसका चलाने वाले मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लोकेश। लोकेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो कोर्ट का जो डेयरी को लेकर जो ऑर्डर आ रहा है, जजमेंट आ रहा है कि जो पशु जो भलसवा डेयरी में जो पाले जा रहे हैं, बगल में लैंडफिल है, फिर झील है, गंदगी रहती है, कचरा जो है वो विषैला खाते हैं, तो जो दूध आता है वो पीने योग्य नहीं रहता। इसको लेकर वो अब कोर्ट यह रुख समझती है कि अब यहाँ से जो पशुओं को जो पालना है वो घोगा डेयरी की तरह शिफ्ट कर दिया जाए। तो इसको लेकर क्या सोचते हैं और क्या अभी तक बात चल रही है? ना ही तो हमारे पशु ये जो बाहर घूमने वाले हैं वो कुछ हमारे पशु कूड़ा नहीं खाते हैं, वो आवारा पशु हैं और हम घोगा नहीं जाना चाहते। हम तीसरी पीढ़ी चल रही है, हम यहीं रहना चाहते हैं और हम अपने पशु का बहुत अच्छी तरीके से देख रेख करते हैं। ऐसा ये जो एनजीओ ने जो केस डाला है वो गलत है। जो सुनैना सिब्बल है वो जो उन्होंने डाला है वो कहीं ना कहीं वो गलत दिशा में जा रहा है। जी, वो गलत दिशा में है, उन्होंने गलत वीडियो बनाई है, गलत इन्फॉर्मेशन है उनके पास, सब कुछ गलत। हमारे यहाँ वो एक बार भी हमारी डेयरी में आई नहीं है। यहाँ देख के जाएं कैसे भैंसों को रखा जाता है, कैसे हम इनकी देख रेख करते हैं, ये सब चीज़ तो उनको पता ही नहीं है। तो हम क्या अपने दर्शकों को कुछ डेयरी के बारे में दिखा सकते हैं, आप किस तरह से पशुपालन करते हैं? मैं अपने दर्शकों को कहूँगा कि हम एक बार एक देखते हैं कि जो किस तरह से यहाँ पर जो पशु पालते हैं। आप देख रहे हैं वैसे जिस जगह मैं खड़ा हूँ बहुत सफाई मेरे को नज़र आ रही है। अब अगर मैं नीचे भी दिखाना चाहूँ तो सारा साफ है, लेकिन अगर हम डेयरी देखने की बात करते हैं तो हम डेयरी को ये देखने का काम करेंगे कि आखिर पशुपालन जो होता है कितनी साफ सफाई से होता है और कैसे होता है। मैं अपने दर्शकों को दिखाऊँगा कि वो सामने आप देख रहे हैं भैंसें पल रही हैं और एक शख्स वहाँ पर पानी को लेकर लगातार सफाई करने में लगे हुए हैं। जो भी गंदगी हो रही है उसको साफ कर रहे हैं और साथ में जो चारा जो खाने की जो व्यवस्था है उसको भी आप नज़दीक से और देख सकते हैं। और थोड़ा सा और नज़दीक से दिखाइए और उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर जो पशु पल रहे हैं, पशुओं के कान में इनके पशुओं का जो टैग भी लगा हुआ है, जैसे वो कानों में जो टैग लग रहे हैं वो क्या? जी, वो डॉक्टर साहब लगा के गए थे, जो हमारे सरकारी अस्पताल है यहीं पर वो इंजेक्शन लगा के जाते हैं बीमारी का, तो वो उनका बिल्ला लगा हुआ है जी। अच्छा। उनकी मतलब रजिस्ट्रेशन होता है इनका ये। क्या आपके सारे जानवरों का? हाँ जी, हाँ जी, सभी जानवरों का रजिस्ट्रेशन हो रखा है। हाँ जी, सभी जानवरों का रजिस्टर हो रखा है, सरकार बकायदा ये यहीं पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ से आते हैं डॉक्टर, टीका लगा के जाते हैं बीमारी का कि पशु को बीमारी ना हो। तो वो डॉक्टर भी अगर यहाँ आते हैं तो कभी यहाँ आकर देख कर कभी कुछ कहते हैं कि आपके तो पशु बहुत गंदे हैं और इस तरह? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं नहीं। तो जब ऐसा शिकायत आते हैं खुद लगा के जाते हैं टीके? जी। अच्छा, जो इनके दूध की बात करते हैं तो इनके जानवरों का दूध क्या पीने योग्य है? पीने योग्य? हमको क्यों बीमारी नहीं हो रही? हमारे पिताजी को क्यों बीमारी नहीं हो रही? हमारे दादा को क्यों बीमारी नहीं हो रही? हम क्यों नहीं मर रहे?
हम तो एकदम स्वस्थ हैं, हम भी तो इन्हीं का दूध पी रहे हैं और यहाँ की पब्लिक सब इन्हीं का दूध पी रही है। आइए थोड़ा बाहर की तरफ चलते हैं। इसमें यह है कि जिस तरह से अब सरकार अब कोर्ट के अंदर मामला जब गया हुआ है कि अब जो है यहाँ से डेयरी शिफ्ट की जाएगी, अगर मान के चलो कि डेयरी शिफ्ट करने की बात आती है और आप उस पर राजी होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 8 हफ्तों का एक समय दिया गया है भलसवा डेयरी के जो है पशुपालन को शिफ्ट करने का, ऐसी स्थिति में फिर आप क्या करोगे, आप जाओगे कि नहीं जाओगे? हम नहीं जाएंगे। कोर्ट ने तो 8 हफ्ते का टाइम दे दिया है। नहीं दे दिया जी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। उसके बाद जब डेट आ जाएगी पास, जब देखेंगे क्या करना है, जब देखेंगे क्या करना है। लेकिन अगर मैं ये मान भी लूँ कि अगर आप जाओ, तो जाने के लिए किन किन चीज़ों को आधार मानोगे, क्यों अगर जाओगे तो क्या सोचते हो कि क्या होना चाहिए? जो सुविधा हमें वहाँ देने की बात कर रहे हैं वो हमें यहीं चाहिए, वो यहीं दे दें। और अगर वहाँ घोघा डेयरी में देते हैं तो सुविधाएं तो नहीं जाना? नहीं, नहीं जाना पसंद करेंगे। लेकिन कोर्ट के अंदर अभी 23 तारीख में भी यही था कि जितने भी डेयरी वाले हैं और डेयरियों के जो प्रधान हैं एसोसिएशन है, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हम जो है अपनी डेयरियाँ शिफ्ट कर लेंगे। तो उस स्थिति में फिर सर मैं जब भी बता रहा हूँ, जब भी देखेंगे क्या करना, लास्ट में जब तारीख आ जाएगी वैसे देखेंगे एक बार ही क्या होता है, ज़्यादा सख्ताई होगी तो डेयरी हटा देंगे कुछ दिन के लिए। ठीक है, तो हम और भी डेयरी वालों से बात करेंगे, लेकिन साथ में इलाके के भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या लगता है कि कोर्ट का जो रुख है डेयरी वालों के लिए कि डेयरी शिफ्ट कर दी जाए घोघा में, तो क्या वाकई में घोघा में ये डेयरी चली जानी चाहिए कि क्या यहाँ पर पशुओं का जो पालन है वो सही से हो नहीं? तो नहीं सर, पालन तो अच्छे से होता है, साफ़ सफाई भी रखते हैं, हमेशा धोना धाना पूरा साफ सफाई रहती है। अब उतनी दूर जाएंगे, इनको जाने की भी तो दिक्कत होगी ना, उतनी दूर वहाँ पर ना दूध की अभी सप्लाई होगी, इनकम भी बेकार हो जाएगी और आने जाने का कन्वेंस भी कितना भी करोगे 2 घंटा 1.5 घंटा जाने में वहाँ पर लगेगा। किस टाइम ये मॉर्निंग में जाके दूध निकालेंगे, किस टाइम शाम को जाके निकालेंगे, या तो फिर इनको घर भी वहीं पे दिया जाए उसी के ऊपर बनाने के लिए, या फिर यहीं पे रहने दें। बस साफ सफाई का ध्यान रखें सब। हम अभी और डेयरियों के पास भी चल के देखते हैं कि और डेयरी मालिकों का क्या रुख है और उनका क्या कहना है। ठीक है, कितने आपके पास भैंसे? 14 भैंसे हैं। अगर हमें जाने की कम से कम कितनी भैंसों का पालन करने वाले जो डेयरी मालिक है, कम से कम कितनी भैंसों, एक डेयरी मालिक पे कम से कम कितनी भैंसें? ये तो मैं जानता ही ना। अंदाजा जैसे आपके पास 14 है, तो अपनी अपनी इच्छा है कितनी बार। तो 5 भैंसों का भी कोई डेयरी है? 10 भैंसों की भी? 10 भैंसों की है जी। 10 भैंसों की डेयरी है, मतलब कम से कम जो डेयरी मालिक है 10 भैंस तो पालता ही होगा। 10 भैंस। अधिक से अधिक कितना पालता है? अंदाजा कितना आपने देखा है, कितनी भैंसे होंगी? 50 भैंसे 60 भैंसे तो होंगी, अधिकतम हम बात करते हैं। आपसे सवाल यह है कि जो कोर्ट का ये रुख चल रहा है, कोर्ट का ये कहना है कि जो बलसवा में जो डेयरी है उनको घोघा में शिफ्ट कर दे रहे हैं, आप घोघा जाना चाह रहे हैं? हम नहीं जा रहे। क्यों नहीं जाना चाह रहे? वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। माहौल अच्छा नहीं है? नहीं, लेकिन जब कोर्ट और सरकार जब आपको घोघा शिफ्ट करेगी तो जो सुविधाएं देने की बात है वो भी की जा रही है, आप जो दूध निकाल कर जो बेचने का काम करेंगे तो उसको खरीदने के लिए भी मदर डेयरी या अमूल जैसी कंपनियों के साथ भी आपका समझौता कराने की बात की जा रही है, तो आप ये सब नहीं समझ पा रहे हैं या पसंद नहीं कर पा रहे? समझ नहीं पा रहे हैं। सरकार की सारी चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा और क्या करना है। अभी 23 तारीख के मामला जो सुनवाई हुआ है कोर्ट में, उसमें 8 हफ्ते का टाइम दिया गया है कि आप अपनी जो भैंसे हैं गाय हैं उसको घोघा शिफ्ट कर लेंगे, तो क्या आप शिफ्ट कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं करते। अभी आप शिफ्ट नहीं कर रहे हैं? आप शिफ्ट कब करेंगे? कोई आपकी एसोसिएशन या कोई इलाके का कोई ऐसा व्यक्ति है जब वो आपको कहेगा, जब आपको लगेगा कि हमें करना चाहिए? तो अगर हम साफ सफाई की बात करें तो यहाँ पर साफ सफाई कितनी? मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि एक बार वो आए और दिखाएं कि जो यहाँ पर हम एक पशुपालन करने वाली एक डेयरी में है और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भैंसे बंदी हैं 14 भैंसों की बात की गई है और यहाँ पर साफ सफाई की हम बात करते हैं तो देखो हर एक भैंस को नहलाया धुलाया गया है, उसकी जगह नीचे की जो है वो भी बहुत साफ सुथरी की गई है और यहाँ पर आप देखोगे कि जो भैंसे हैं इनके कान में टैग लग रहा है और हर जानवर जो है ये जो कान में जो टैग लग रहा है हर जानवर रजिस्टर्ड जानवर है? रजिस्टर्ड है। तो ये जो पशु चिकित्सालय वहाँ रजिस्टर्ड होते हैं? हाँ, रजिस्टर्ड। इनको कोई बीमारी तकलीफ होती है तो उसको
कुछ तो वहीं दिखाते हैं, वहीं दिखाते हैं, वहाँ से देखने भी डॉक्टर आते हैं। हाँ जी, फोन कर देते आ जाते। अच्छा, कोई स्थिति होती है तो डॉक्टर यहाँ पर भी आता है देखने। तो कभी उन्होंने एक बताया, कुछ शिकायत करते हैं कि यहाँ पर गंदगी ज़्यादा रहती है इसलिए बीमार है या कुछ और? नहीं, जैसे नहीं होता। बीमारी क्या इनको होती है जब डॉक्टर को बुलाना पड़ता है? बुखार आ जाता है। तो कोई ऐसी बीमारी भी लगती है कि जो गंदगी की वजह से या फिर गंदा चारा खाने की वजह से भी होती है? ऐसी बीमारी भी होती है आपके पास हुई ऐसा? नहीं, हमारे पास नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ? मतलब आमतौर पर जब आपने डॉक्टर को दिखाया तो भैंस जो है आपकी बुखार हो गया या सुस्ती या कमजोरी हो गई, इसी तरह की शिकायत? सबसे सवाल ये है कि जो आप पशुपालन कर रहे हैं यहाँ पर, आप कब से कर रहे हैं? पशुओं की जो सेवा, सफाई, स्वास्थ्य की जो बात करते हैं तो वो कितनी रहती है? सफाई तो बढ़िया रहती है भाई, यहाँ पे सफाई की तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लो सफाई बढ़िया है, कोई सफाई की दिक्कत नहीं। और रहने का हमें कम से कम 15 साल हो गए, हमें छोटा सा था जब से ही हम अपनी डेयरी कर रहे हैं, अब ऐसे तो कोई दिक्कत ही नहीं, हमारा तो बढ़िया, हमारा सारा सिस्टम सही है। अभी 9 अगस्त की जब बात हम करते हैं तो पूरा बुलडोजर आ गया था, फोर्स आ गई थी, तोड़ने के लिए आ गया था। उनका एक ही कहना है कि जो भलसवा में जो डेयरी जो चल रही है वो सही नहीं चलती है, पशु जो है उनका दूध पीने योग्य नहीं रहता है, इसको आप कितना समर्थन करते हैं? नहीं, ये तो बात जो है दूध की है, दूध को तो सभी दूध जाता है, हर घर के आदमी के दूध देने जाते थे, ऐसे कोई तो दिक्कत ही नहीं है, समझ गए? उनको ये जो पशु है, जो गायें जो छोड़ देते हैं बाहर, जो पन्नी खाती है, इनको मतलब वो है, हमारे तो पशु बन के खाता है और दूध भी बढ़िया एक नंबर का दूध जाता है और सबके घर में जाता है, आज तक तो कोई शिकायत किसी की आई नहीं। और ये जो बदनाम करा जा रहा है दूध खराब है, ये बताओ, एक बताओ माँ का दूध कैसे खराब हो सकता है? नहीं, तो ये जो कचरा खाने वाली बात आती है तो आपके जो जानवर हैं वो कचरा नहीं खाते? नहीं, हमारे जानवर कचरा नहीं खाते, हमारे जानवर न्यार बढ़िया खाते हैं और दूध भी बढ़िया देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो जानवर का जो कचरा खाते हैं वो जो गायें हैं, वो गायें होती हैं जो क्या नाम छोड़ देते हैं, ये वो गायें खाती होंगी, पर अपने इधर सब गायें भैंस जितनी भी हैं सब बांध के धरते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सबके। देखो गायें भी हैं, सब बंदी भी हैं डेयरी में, बढ़िया खिलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और सफाई भी बढ़िया है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, आप घोघा डेयरी अगर शिफ्ट करने की बात की जाती है तो आप घोघा डेयरी जाना चाहेंगे? भाई घोघा डेयरी नहीं जानी चाहेंगे, वहाँ कोई वो नहीं है ना, वो पानी की भी वो नहीं है, पानी एक आध घंटा आता उधर, और बत्ती का भी वो नहीं है, और मच्छर भी है, और जंगल एरिया सारा बहुत बहुत, और ना भैंसों को पानी नहलाने की धुलाने की कैसे झोड़ होते हैं, वो कुछ भी नहीं है वहाँ पे, और ना आगे रोड भी सही नहीं है वहाँ पे, बहुत बुरा हाल है वहाँ का, हम देख के आए खुद। हाँ जी, तो अभी तक क्या हालात ये हैं कि वहाँ रहने लायक नहीं? नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे थी 350-400 डेयरी थी, अब टोटल मिला के वहाँ पे 100-125 डेयरी रह गई होंगी, वहाँ पे सब वहाँ पे बेच के चले गए हैं, वहाँ पे उनको अच्छा नहीं मिला, जब ये तो वहाँ पे गए हैं वो, यानी तो 350 डेयरी में से 100-125 डेयरी बची है वहाँ पे, बताओ जब वहाँ पे कुछ है ही नहीं तो बंदा क्या करेगा वहाँ पे। तो कोर्ट के अंदर जब घोघा डेयरी शिफ्ट करने की बात की जा रही है, सुविधाओं की देने की बात की जा रही है, तो वो सब आपको नहीं नज़र आ रहा कि शायद दे पाएंगे? देखो सर, अगर ये चीज़ वहाँ पे होती तो आदमी अपनी भैंस लेके गायें लेके वहाँ पर जाता, जब वहाँ पे कुछ है ही नहीं, अभी दे रहे हैं, अगर पहले ही बना के इस चीज़ को धरते और जब बोलते ना अपनी भैंस वहाँ पे लेके जाओ, भैंस लेके जाओ, आदमी लेके जाता, जब वहाँ पे कुछ है ही नहीं तो भैंस भी भूखी मर जाएंगी। हाँ, अब अगर सुने ना सिब्बल अगर आपकी बात सुने और कोर्ट आपको सुने तो उनको क्या कहना चाहेंगे? तो मैं तो एक ही बात जानता हूँ भाई, इधर की कोई दिक्कत तो है नहीं, ना किसी को दिक्कत देते, अपना डेयरी जैसे चल रही है वैसे, हम उधर नहीं जाएंगे भाई, हम उधर नहीं जाएंगे, ये सही नहीं है वहाँ पे, पशुओं के लिए भी सही नहीं है और हमारे लिए सही नहीं है, वहाँ पे कुछ भी अच्छी है ही नहीं वो, जो वहाँ पे आदमी जाएगा बताओ। मैं अपने दर्शकों को बताऊँ कि हम अब एक और डेयरी की ओर आ चुके हैं और आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाऊँ कि ये जो है नीचे भैंसे जो है जानवर वो पलते हैं, और अगर ऊपर तक तस्वीर दिखाऊं तो परिवार ऊपर रहता है, तो नीचे डेयरी का पालन होता है और ऊपर डेयरी मालिक जो हैं वो रहते हैं। हमारे साथ एक डेयरी मालिक मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे, और थोड़ा इधर आ जाते हैं छाव में, इधर आ जाइए। आपसे मेरा सवाल ये है कि आप जो यहाँ डेयरी का जो पालन करते हैं, पशु पालते हैं, कितना साफ़ सफाई रखते हैं और कितना आप इसमें वक्त? सुबह 3 बजे से लगते हैं हम, 1.5 घंटा सुबह लगता है सफाई में जी, और साफ तो हम दिन में 4-5 बार सफाई कर देते हैं, नहलाना। अच्छा,
लेकिन जो ये बात चल रही है कि जो डेयरी, जो भलसवे डेयरी के अंदर जो डेयरी मालिक हैं उनके जो जानवर हैं वो जहरीला कूड़ा खाते हैं और मतलब कि गंदा कूड़ा खाते हैं जिससे उनका दूध पीने योग्य नहीं है और आने वाली नस्लों के लिए, बच्चों के लिए हानिकारक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी महंगी महंगी भैंस और गाय आती हैं तो उनको हम ऐसा कूड़ा खिलाएंगे क्या? सवा सवा लाख की, एक एक लाख की भैंस आ रही हैं, गाय आ रही हैं, उनको ऐसा कूड़ा कर थोड़ी ना खिलाएंगे। ऐसा पैसा बर्बाद थोड़ी ना करेंगे हम अपना। तो अब सारा मामला तो यही चल गया ना, क्योंकि डेयरी में, भलसवे डेयरी के अंदर जो डेयरियों का जो पालन है वो सही नहीं हो रहा था, जिसके चलते अब घोघा डेयरी में शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। तो क्या आप घोघा डेयरी जाना चाहेंगे? नहीं जी, कोरा जंगल और सांप है वहाँ, हम देखे आए जाके, बहुत बुरा हाल है वहाँ। वहाँ पानी भी जो है खारा है, लाइट की भी सुविधा नहीं है और जो है जंगल ही जंगल है। वैसे जंगल में हम यहाँ रहे थे पहले, वैसा ही, हाँ जी वैसा ही जंगल वहाँ है। हम घोघा जाना नहीं चाहते। अगर कोर्ट जब यहाँ से वहाँ ले जाकर कह रही है कि यहाँ दूध पीने योग्य नहीं है, तो फिर आपके हिसाब से तो वहाँ पर जो भैंस पलेगी तब तो और भी दूध खराब होगा, वहाँ भी यही हाल है। हमने अभी और परिवारों से बात करी है, हमारे साथ एक और डेयरी मालिक हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो कोर्ट का जो मामला चल रहा है कि भलसवा डेयरी इलाके से जो डेयरियाँ हैं वो शिफ्ट कर दी जाएँ और घोघा में भेज दी जाए, आखिर जो घोघा में शिफ्ट करने की जो बात चल रही है, आप कितना इस बात को सहमत करते हैं कि हम घोघा चले जाएंगे और हमें वहाँ चले जाना चाहिए? देखो, ये घोघा जाने का कोई मतलब नहीं है। एक तो दूर बहुत पड़ता है, फिर सुविधा नहीं है वहाँ पे किसी तरह की, हम तो आने जाने में ही रह जाएंगे। मैंने अभी डेयरी मालिकों से बात करके ये जानने का काम जो किया है उसमें ये समझ में आ रहा है कि आखिर अगर भलसवा डेयरी को छोड़कर अगर घोघा डेयरी की तरफ शिफ्ट होते हैं तो आखिर वहाँ पर सुविधाएँ क्या हैं। जिन सुविधाओं की बात की जा रही है कि वहाँ पर रहेंगी अच्छी घासें या अच्छा चरागाह होगा, तमाम सुविधाएं होंगी, गोबर संयंत्र होगा वहाँ पर, जो है ऑलरेडी पहले ही 300 से आसपास डेयरियाँ चल रही थी जिसमें से वो भी कम हो गई हैं, और साथ में वहाँ पर अगर ये जाते भी हैं तो सरकार या कोर्ट हमें सिर्फ वहाँ डेयरी के लिए ही तो जगह देगी जिसमें हम 5 या 7 भैंसें ही पाल पाएंगे, लेकिन हम रहेंगे कहाँ? क्या हम वहाँ पर डेयरी के लिए 5 भैंस छोड़ के वापस घर आए करेंगे और फिर जाए करेंगे, या वहाँ पर हम अपने रहने के लिए अलग से जगह खरीदेंगे, या सरकार हमें रहने के लिए अलग देगी और डेयरी के लिए अलग देगी? तो इस तरह की जो कई सारी अनसुलझी बातें हैं जो समझ नहीं आ रही हैं। अगर सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, निगम के द्वारा अगर इनसे बैठ के बात की जाती है तो शायद किसी चीज़ों की बात तस्वीर साफ निकल कर आती है। हम कोशिश करेंगे और भी डेयरी से बात करें, लेकिन अभी तक जिन डेयरियों से बात करी है हमारे दर्शकों को काफ़ी चीज़ समझ में आ गई होगी आखिर भलसवा डेयरी के डेयरी मालिक क्या चाहते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की यह खास रिपोर्ट।